आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस चाट को हम अपने घर में रखे सामानों से और बहुत ही कम टाइम में बनाकर रेडी कर सकते हैं। आइए हम अपने चाट का बनाने की स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने रोटी ले ली, यह मेरी सुबह की बची हुई रोटी है। आप चाहें तो इस रेसिपी के लिए ताज़ी रोटी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से रोटी को मैंने कैंची से कट कर लिया है, आप चाहें तो हाथ से भी तोड़कर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमें सभी रोटी को टुकड़े टुकड़े कर लेना है। अब यहाँ मैंने एक फ्राई पैन में तेल गरम करने रख दिया था, अब सभी रोटी को फ्राई कर लेंगे। यह रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। आप इस रेसिपी को मेरे तरह से बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करें। देखिए, हमारी सभी रोटी को हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। आइए अब इन्हें अलग कर लेते हैं। अब इसे मैंने एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। देखिए, हमारी रोटी बहुत ही अच्छी फ्राई होकर रेडी है, यह बहुत ही कुरकुरी हो गई है। देखिए, इन्हें मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। अब इसमें कुछ बड़े पीसेस हैं, उन्हें थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे। अब यहाँ कुछ सामान ऐड कर लेती हूँ। यहाँ प्याज बारीक कर कर ले लिए, उबले आलू, टमाटर, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च और धनिया का चटनी बना लिए, उसे भी ले लेंगे। यहाँ मीठी चटनी, गुड़, इमली की, दही, अपने टेस्ट के हिसाब से सफ़ेद नमक, काला नमक और चाट मसाला, और साथ ही आधे नींबू का रस ले लेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाट बनकर रेडी हो चुकी है, बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है हमारी चाट दिखने में, और खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी है। अब ठेले वाले के स्टाइल में हम इन्हें एक पेपर प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप इस तरह से बची हुई रोटी का यूज़ करके एक बार ज़रूर देखें। आपको यह रेसिपी कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर करें। आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। एकदम लग रही है ना बाहर वाली चाट। बाय बाय फ्रेंड।